क्योंकि रिपोर्ट तो पेश की जाती है, वहाँ कोई साथ नहीं है, आप भी साथ नहीं है, तो आपको वहाँ से भी इतला मिल रही है कि लाहौर में या केपी में किसी जगह पुलिस मौजूद है या सिर्फ पुलिस की छापेमारी थी? ये कि परसों ये वहाँ पे जो हियरिंग हुई थी वहाँ पे ये मौजूद थे। ठीक है, कल भी थे, कल भी मेरी इनसे बात हुई। ठीक है, केपी के अंदर अब मैं उस चीज़ को तो ये कोर्ट के अंदर एविडेंस देंगे, मतलब अब उस बात की कोई वजाहत या निशानदेही हुई कि केपी या कश्मीर गए थे ये लोग? मेरे पास नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि जज साहब ने इसीलिए इनसे जो रिपोर्ट मंगवाई है वो इसीलिए मंगवाई है कि जो आपने किया है वो बताएंगे। किसी और जरिए से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई आपके लिए अच्छी खबर? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। अभी तक आपसे किसी ने रब्ता? किसी ने भी रब्ता नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बच्ची पूरे पाकिस्तान की पुलिस मिलकर एजेंसियाँ हैं वो भी तलाश नहीं कर पा रही थी। बड़ी अलार्मिंग से फील कर सर सोशल मीडिया मुख्तलिफ ज़रा से रब्ता किया जा रहा है कि कोर्ट से बाहर हम शॉपिंग कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने मेरे जो लाहौर वाले लायर थे उनसे रब्ता किया था, लेकिन वो ये एक थ्रेटनिंग वो ये था, वो कहते थे कि आप पहले यहाँ से केस खत्म करें उसके बाद हम आपको, तो ये तो एक मजाक वाली बात होगी, उसमें तो कोई भी नहीं आएगा। मतलब अगर सुलह भी करनी है तो धमकी देंगे, अपने दबाव में लाकर सुलह करनी है? जी बिल्कुल। तो ये बाप के साथ रवैया उनका? जी। तो कहते हैं हम शरीफ नहीं हैं, अब आप खुद देख लें, अब आप खुद देख लें कैसे शहीद। वैसे अगर आप सही तरीके से आपके पास आए मौजूद तरीके से तो कोई सुलह का चांस? सर देखिए, मौजूद तरीके से कोर्ट में आए और फेस करें, जैसे कल एक केस हुआ था, वो केस अगर ये जिस तरीके से अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और वो आए कोर्ट में फेस करें, कोर्ट ने जो डिसीजन देना तो कोर्ट ने देना, मैंने तो नहीं देना था। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।